सारा समंदर मेरा गवाह है, तेरा अपना आंगन बना दूं, मेरा सफर है तेरा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपको इंग्लिश आपका काफी कमजोर है, तो हाउ आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सक्यूज, एंड एवरी डे वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर प्रैक्टिसिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देन यू विल बी फोकस ऑन योर इंग्लिश। नाउ आई विल स्टार्ट फोर सेंटेंसेस ऑन योर ग्रामर। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। नाउ इट विल बी कन्वर्ट इन इंग्लिश। तो हमको कैसे कन्वर्ट, अब मान ले आपके पास ट्रांसलेशन इंग्लिश दिया हुआ है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। क्या बोलेगा इंग्लिश में? नाइस टू मीट यू, आपसे मुझे मिलकर अच्छा लगा। और दूसरा सेंटेंस, क्या कोई आ रहा है? इज एनिमल्स कमिंग, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसको हम कैसे डील करें? तो क्या और कोई आ रहा है, इज एनी वन एल्स कमिंग, मतलब कोई पहले आ चुका है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव, एल्स एनी वन कमिंग, बोल रहा है कि और कोई आ रहा है। मैंने क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, विल यू रिमाइंड मी, दिस इज द सेंटेंस। तो आपको इस तरह के काफी सेंटेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो अभी आपका इंग्लिश डे बाय डे बेटर होगा। अब सेंटेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई वॉश्ड क्लोथ माई सेल्फ, मैंने अपने कपड़ा खुद से धोया, आई वॉश माई क्लोथ हिमसेल्फ, आई माई माई सेल्फ सॉ वॉट हैपेंड, माई सेल्फ सॉ वॉट हैपेंड, मैंने खुद देखा वहां क्या हुआ, दिस इज द रीजन टू स्पोक इंग्लिश। देखो इन हम बात करते हैं इनफिनाइट प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव के, दो तरह का हो जाता है प्रोनाउंस, वन वंस वंस, एक से अधिक। तो जिस तरह हम सिंगुलर और प्लुरल को डिस्कस करते हैं उसी तरह अब हम तीन वर्ड ऐसे बात करेंगे जो इंग्लिश में के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके डेली लाइफ में लैंग्वेज को कैसे आप देखते हैं और डेली लाइफ में आप यूज भी कर सकते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट में क्या फर्क है, आज हम बात करेंगे कि एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट दोनों वर्ड अलग है, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट और रिस्पेक्ट और एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सपेक्ट आशा, एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट मतलब किसी को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ना एक्सेप्ट कबूल करना, ये हुआ कबूल करना, आई एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन, अगर हम यूज करेंगे आई एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन, मैंने आपका एप्लीकेशन को स्वीकार किया, मैं आपकी अर्जी कबूल किया, क्या लिखेंगे, हमने आपका अर्जी कबूल किया। अब दूसरा वर्ड क्या है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी उम्मीद, किसी से उम्मीद रखते हो ना जी आप, तो आपको उम्मीद रखना, बेसिकली आपको उम्मीद रखना किसी से, तो क्या होता है, आई एक्सपेक्ट 80 मार्क आउट ऑफ 100, इसका मतलब हो गया मैंने 100 में आपसे 80 मार्क एक्सपेक्ट किया था, आशा किया था, उम्मीद रखा था, ये दोनों वर्ड अलग हो गया। अब हम बात करते हैं रिस्पेक्ट, इज्जत करना, किसी को हम इज्जत करते हैं, उसका इज्जत कैसे किया, तो इंग्लिश में इसको कैसे हम यूज करेंगे डेली लाइफ में, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, इन बहुत सारी चीजें, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर ब्रदर्स, आई रिस्पेक्ट माई फ्रेंड्स व्हेन ही वाज स्टडी, आई रिस्पेक्ट माई फादर्स, आई रिस्पेक्ट माई ब्रदर्स, आई रिस्पेक्ट माई नेबर्स, बहुत सारा चीज होता है, तो आप इस तरह के यूज कर सकते हैं, मेरे माँ बाप की इज्जत करता हूँ। एक्सपेक्ट माई एक्सेप्ट मतलब बोल रहा है कि आई हैव टेक ऑल द पेन्स एक्सेप्ट रेड पेन, मतलब बोल रहा है कि सब पेन ले लो आप, किसके अलावा, रेड पेन के अलावा आप सब पेन ले लो, एक्सेप्ट का मतलब यही होता है। तो आज हमने बेसिकली क्या यूज किया, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट, ये वर्ड जो होता है काफी आपस में बहुत कंफ्यूजिंग है, तो हमने आपको एक एक करके आपको डिटेल से समझा दिया, बाकी बात आप प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन योर इंग्लिश होगा। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, बोथ आर पैरेलल थिंग्स, इफ यू हैव नॉलेज देन यू विल मेक श्योर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव नो नॉलेज देन यू हैव नो पुट योर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, दैट्स द रीजन ऑफ इंग्लिश, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली इन योर लाइफ देन यू विल गेट सक्सेस डे बाई डे, वन डे यू कैन नॉट गेट ओवर नाइट सक्सेस, अंडर यू विल लर्न अबाउट सम फैक्ट अबाउट नॉलेजेबल पर्सन, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, नाउ
And one thing, remembering always put yourself, make a discuss in English as you as possible with friends. As alone you are sitting, you have to discuss yourself, how to make yourself confident. Understand what I'm telling? तो नाउ आज हम बता ही दिए आपको कैसे इंग्लिश को आप सही कर सकते हैं, अपने आप को भुकला रहे डे बाय डे, आपको मीनिंगफुल वोकैबुलरी को आप याद कीजिए, उसको जो चीज़ आप याद करें उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए. दैट इज ऑल ओवर द पॉइंट टू लर्न इंग्लिश. हम अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करें, अपने दोस्तों के साथ एफर्ट मारें कि अगर यू इफ यू आर डिस्कसिंग एनीथिंग इन इंग्लिश, यू हैव टू पुट योर सेल्फ फॉर कॉन्फिडेंस डे बाय डे. 30 डेज आई विल मेक श्योर एंड 21 डेज आई विल मेक श्योर यू हैव टू लर्न मोर fluently in English. Understand? Daily practices. As a great man person says that ki if you are practice make man perfect. अगर आप ज़्यादातर practice करते हैं तो वो आपके perfection में जाता है. तो overall this is the reason I am talking with you and now I will get in my video. So please like and subscribe. Whatever you do, man, but never trouble your father and mother. Thank you so much.